खबरों के लिए आज तक, अफवाहों के लिए कोई। आज तक सबसे तेज। तुर्की और पाकिस्तान के बीच चल रही साठगांठ पर अमेरिका ने चाबुक चला दिया है। अमेरिका ने एहतियातन तुर्की पर पाकिस्तान को स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को देने की डील पर रोक लगा दी है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत तुर्की को 30 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को देने थे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम कालीन ने बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर बेचने पर रोक लगा दी है। उन्होंने ये भी बताया है कि ऐसी सूरत में पाकिस्तान चीन से खरीद कर सकता है। पाकिस्तान तुर्की से डबल इंजन वाला AT-AKT-129 हेलीकॉप्टर लेने वाला था। यह हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में हमला करने में सक्षम है। इस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में अमेरिकी इंजन लगा हुआ है। कालीन का कहना है कि यह रोक अमेरिकी हितों को अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच जुलाई 2018 में $1.5 billion की ये डील हुई थी, लेकिन तुर्की के पास अमेरिकी इंजन के एक्सपोर्ट का लाइसेंस नहीं होने की वजह से इस डील पर पेच फंस गया था। जब तुर्की के प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या अमेरिकी फैसला रूस के S-400 मिसाइल की डील पर प्रभावित कर सकता है, इस पर कालीन ने कहा है कि अमेरिका द्वारा तुर्की को पैट्रियट मिसाइल देने से इनकार करने के बाद रूस से ये मिसाइल लेने का दबाव है। उन्होंने कहा है इस तरह के प्रतिबंध केवल दूसरे देशों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बनाए गए हैं। AT-AKT-129 हेलीकॉप्टर को अगस्ता वेस्टलैंड के साथ तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने विकसित किया है। जुलाई 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान से हुई मुलाकात से पहले ही इस डील पर रोक लगा दी थी। इसके बाद जनवरी 2020 में तुर्की की तरफ से कहा गया था कि आने वाले सालों में दोनों देश इस डील के तहत डिलीवरी को सुनिश्चित करेंगे। इस एग्रीमेंट में चीन से हेलीकॉप्टर खरीदने का भी विकल्प शामिल था। अमेरिका के अड़ंगे के बाद भी पाकिस्तान आर्मी की लिस्ट में तुर्की के इस हेलीकॉप्टर की अहमियत कम नहीं हुई है। अगस्त 2020 में तुर्की ने अमेरिकी इंजन के एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया भी शुरू की थी। अमेरिका में हथियारों का बाजार खरबों डॉलर का है। कहा यह जाता है कि अमेरिकी हथियार लॉबी इतनी सक्रिय है कि वो चाहे तो राष्ट्रपति तक को पल भर में बदल सकती है। ऐसे में अगर ये साबित हो जाता है कि रूसी हथियार अमेरिका की तुलना में एडवांस हैं, तो इससे इस लॉबी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दुनिया के सबसे अधिक देशों के पास अमेरिका का F-16 फाइटर प्लेन है। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसे रूस के हाथों हार का सामना करना पड़े, और ऐसे में किसी भी एडवांस सौदे पर अमेरिका लगातार नजर बनाए रखता है, जिसमें ये तुर्की और पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर डील भी था जिस पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।